आपका किस चीज का ऑपरेशन हुआ था? मेरे यहाँ टोटल लेप्रोस्कोपी हिस्टेरेक्टमी हुई है और उसके साथ ओवरी सेव की है और बाकी पूरी बच्चे दाने निकाल दी है। फाइब्रॉइड्स थे पीछे कुछ और बच्चे दाने का साइज बहुत बड़ा था, यहाँ तक कि मेरे को हाथ से छूने पे नाभि के नीचे तक का साइज, जो ऐसा बोला जाता है कि भी चार महीने तीन चार महीने के बच्चे जितना जो साइज होता उतना बड़ा यूट्रस का साइज हो गया था और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती थी, कमर दर्द वगैरह भी साथ में था। और आपको ये तकलीफ कितने सालों से पता थी? चार पांच साल तो ब्लीडिंग तो 4-5 साल से हो ही रही थी। पहले मैंने एक बार कराई थी सोनोग्राफी, उसमें थोड़ा बल्कि यूट्रस था और कुछ था नहीं, तो फिर मैंने ज्यादा ध्यान दिया नहीं। आपका दूरबीन से वो ऑपरेशन या खुले टांकों वाला हुआ? ये मेरा दूरबीन से ऑपरेशन हुआ है। और कब हुआ आपका ऑपरेशन? सुबह साढ़े आठ बजे मुझे ओटी में ले गया था, 2-2.5 घंटे लगे लगभग और अभी कंफर्टेबल हूँ। मैंने पानी वगैरह भी पी लिया है और ज़्यादा कोई बैक के थोड़ा सा हल्का सा पेन है, बाकी ऐसे कोई खास बात नहीं। और अभी आपका डिस्चार्ज के लिए भी डॉक्टर ने बोल दिया है? हम सब कुछ अच्छा लग रहा है इसलिए उन्होंने बोला आप जाना चाहें तो शाम को फिर हम डिस्चार्ज कर देंगे। और आप दूसरे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगी कि ये कंफर्टेबल बहुत ज्यादा है हॉस्पिटल, बिल्कुल होमली एटमॉस्फेयर है, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। और दूसरी बात ये बहुत अपन डिसीजन ले नहीं पाते, बहुत सारी लेडीज होती हैं जो इनकी ब्लीडिंग होती रहती है, इनको कई बार पता भी रहता है कि भाई हमारे फाइब्रॉइड है ये, लेकिन दूरबीन वाले ऑपरेशन का इनका बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है ना, बहुत ज्यादा प्रचार नहीं है इतना, तो ये बहुत इजी ऑपरेशन है, इसलिए इतना ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, जल्दी ऑपरेशन करा लेना चाहिए क्योंकि लाइफ के बहुत सारे साल आप खराब कर देते हो। मित्र मेनोपॉज कब आता है उसके लिए आप हर महीने आप परेशान होते हो, कई कई तरह की गोलियां खाते हो ब्लीडिंग रोकने की, पेन किलर्स, फिर आपके काम का हर्जाना होता है, और इतना सोचने की जरूरत नहीं है और जल्दी ऑपरेशन के लिए आदमी को सोचना चाहिए। मतलब और एक ही दिन में आपका पूरा हो गया है कि आज सुबह एडमिट हुए थे, सुबह फिर ऑपरेशन हो गया और उसके बाद अभी 3-4 घंटे बाद आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। हम लोग डॉक्टर साहब से जब मिले थे तो उन्होंने बोला कि आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं, क्यों अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। बहुत